चैनल आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यंग बंगाल का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा इंडिया के सोसाइटी के अंदर एंड क्यों इनका जो मूवमेंट था यंग बंगाल मूवमेंट वो एक बहुत बड़ा फेलियर था लेट अस स्टार्ट विद टॉपिक बट याद रखना इससे पहले का वीडियो देखा होना चाहिए क्योंकि यंग बंगाल का रिश्ता डेरोजियो से था और डेरोजियो के बारे में मैंने डिटेल में पिछले वीडियो में बताया था देखो एग्जाम में भी जब भी अगर ये टॉपिक आ जाए कि यंग बंगाल का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा सोसाइटी के अंदर तो सबसे पहले तुम डिरोजियो के बारे में कुछ चंद लाइन ज़रूर लिखना क्योंकि भाई हर चीज़ तो डिरोजियो से रिलेटेड है ना भाई तुम यंग बंगाल का बात कर रहे हो तो तुमको बात करना पड़ेगा डिरोजियो का तो स्टार्टिंग के कुछ तीन चार लाइन में डिरोजियो कौन थे लुई हेनरी विव्यान डिरोजियो उनका पूरा नाम लिखते हुए इंडो पोर्तुगीज थे ये सारी बातें थोड़ा थोड़ा लिख देना ठीक है उनका एक फेमस पोएम था फ़कीर ऑफ झनगिरा ये सब थोड़ी बात लिख देना उसके बाद ये लिखना कि डिरोजियो के जो स्टूडेंट्स थे उन्हीं को यंग बंगाल बोला गया और उन्हीं को हम डिरोजियंस भी बोलते हैं और कुछ फेमस डिरोजियंस में से नाम आते हैं राम गोपाल घोष रशिक चंद्र मलिक इन सब लोगों का फिर ये डिरोजियंस लोगों ने मिल कर के सोसाइटी फॉर एक्विजिशन ऑफ़ जनरल नॉलेज इस नाम का कुछ मतलब कुछ डिरोजियंस मिलकर के ग्रुप फॉर्म करते हैं जिसका नाम रखते हैं सोसाइटी फॉर एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज ट्वेंटी फरवरी 1838 को जिसमें मेन एम यही था कि यहाँ पे लोग इम्पॉर्टेंट मुद्दों पर डिस्कशन करेंगे उस समय सोसाइटी के अंदर बहुत ही और आज भी एग्जिस्ट करता है ये जो कास्ट सिस्टम है इस चीज़ का बहुत ज़्यादा सोसाइटी में देखने को मिलता था साथ ही साथ चाइल्ड मैरिज देखने को मिलता था विधवाओं का दोबारा शादी के ऊपर तो कोई भी विषय ही नहीं था कोई भी टॉपिक ही नहीं था याद होगा तुम लोग को 1829 में एंटी सती मूवमेंट के कारण जो औरतें उनको जलाना तो नहीं जा, जलाया नहीं जाएगा लेकिन अब उनके दोबारा शादी का क्या होगा तो इस टॉपिक पे डिस्कशन चलते रहा और फाइनली 1856 में ये जाकर लीगल बना लेकिन तब तक तक जो टाइम था 1829 से लेके 1856 तो उस समय जो औरतें थी उनको तो दोबारा शादी भी नहीं करने दिया जा रहा था तो यही सब मुद्दों पर बातचीत उठाया जाता था इस सोसाइटी फॉर एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज के अंदर ठीक है और भी और भी काफ़ी सारे चीज हो सकते हैं तुम्हारे बुक में एक दो पॉइंट अगर और लिखाओ कि यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर फिलोजॉफी से रिलेटेड कुछ कुछ इम्पोर्टेंट बातचीत किया जाता था तो वो सब पॉइंट भी तुम ऐड कर सकते हो ये देखोगे कि यंग बंगाल को काफ़ी सपोर्ट मिला अंग्रेज़ों के द्वारा इन द इनिशियल टाइम पीरियड अंग्रेज़ों ने कहा यंग बंगाल को कि आपको जो भी मूवमेंट लॉन्च करवाना है करो आपको जो करना है करो इंडिया के सोसाइटी में जो चेंज लाना है लाओ प्रोवाइडेड कि आप क्रिश्चियनिटी का मजाक नहीं उड़ाओगे अगर आपने क्रिश्चियनिटी का मजाक उड़ाया तो हम तो आपको एक सेकंड भी रहने नहीं देंगे अगर आपने क्रिश्चियनिटी क्रिश्चियन Christian धर्म का मजाक नहीं उड़ाया क्रिश्चियन धर्म का सम्मान किया उसको सबसे ऊंचा उसको सबसे सुपीरियर बताते हुए अगर आपने समाज में जो चेंजेस लाने की कोशिश करी तब हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे सिंपल मतलब ये है कि यंग बंगाल समाज के अंदर न्यूज़पेपर्स छाप के मैगजीन छाप के अपने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मुद्दों को रख रहा था कि भाई विधवाओं का दोबारा शादी होना चाहिए चाइल्ड मैरिज होना चाहिए अंग्रेज़ों ने भी फुल टू सपोर्ट किया कि ठीक है जो बोलना है बोलो लेकिन क्रिश्चियनिटी का मजाक नहीं उड़ना चाहिए ठीक है और इन्होंने राजा राम मोहन रॉय राजा राम मोहन रॉय के भी जो आइडियाज़ थे कि वुमेन्स एजुकेशन से रिलेटेड आइडियाज़ या सोसाइटी में जितनी भी बुराइयां हैं आइडल्ट्री मूर्ति पूजा इन सब के खिलाफ आवाज़ उठाया इन डिरोजों ने मिल इन डिरोजें से नहीं मिल करके लेकिन इनका ये जो मूवमेंट था यंग बंगाल मूवमेंट देखो मूवमेंट का ये मतलब नहीं होता है कि बहुत सारे लोग भीड़ में चलेंगे तो हम उसी को मूवमेंट बोलेंगे मूवमेंट यानी लगातार एक साथ लोग मिलकर एक बड़ा चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं उसी को हम मूवमेंट कहते हैं तो यंग बंगाल मूवमेंट यानी कि डिरोजियो के जो स्टूडेंट्स थे वो लोग आपस में मिलकर कई एसोसिएशनस खोल रहे हैं कई मैगजीन्स छाप रहे हैं क्यूं? क्यों क्योंकि सोसाइटी में चेंज लाना है तो हम इसी को यंग बंगाल मूवमेंट के नज़रिए से देखते हैं लेकिन ये एक मूवमेंट ये जो इन्होंने लॉन्च किया कि हम बड़े बड़े चेंजेस लेके आएंगे सोसाइटी के अंदर ये बहुत ही बड़ा फेलियर निकला क्यों देखो सबसे पहली बात टू मच रैशनलिज्म रैशनलिज्म का मतलब होता है खुला विचार तो ये जो यंग बंगाल थे डेरोजियो के जो स्टूडेंट थे कई ज़्यादा ही खुले विचार के हो गए थे तुम लोगों ने पिछले टॉपिक में भी देखा कि भाई ये लोग तो डिसरेस्पेक्ट करने पे तुलाए थे कि हमको हिंदू धर्म मानना ही नहीं है हिंदू धर्म बेकार है इस तरीके का अगर कोई स्टेटमेंट बोल रहा है तो ये बहुत ही भड़काऊ स्टेटमेंट है बहुत ही घटिया है अगर आप नहीं मानते हैं धर्म को दैट इज़ ऑल राइट लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा इतने ओपन माइंडेड हो गए हैं कि आप अपने धर्म को बेकार बोल रहे हैं सो दैट इज़ अ वेरी बैड थिंग तो यहाँ पर भी जो यंग बंगाल जो थे ये जो डेरोजेंस थे ये कुछ ज़्यादा ही खुले विचार के हो गए थे और उनका इतना ज़्यादा खुला विचार लोगों को पसंद नहीं आ रहा था लोगों को लगा कि यार ये तो हमारे धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं हमारे लिटरेचर्स हमारे स्क्रिप्चर्स हमारे वैदिक पुराणों का मजाक उड़ा रहे हैं ये लोग यंग बंगाल लोग तो लोगों ने इनका सपोर्ट नहीं किया कि यार ये बहुत ज़्यादा खुले विचार के लोग हैं वी डोंट वॉन्ट टू सपोर्ट सपोर्ट दैम फिर प्रोमोटेड एथियज़म एथीज़म का मतलब होता है कि भगवान पर विश्वास ना रखना नास्तिकता नास्तिकता मतलब भगवान पर विश्वास ना रखना तो ये जो डेरोजेंस थे ये कुछ ज़्यादा ही खुले विचार के थे मैंने अभी बताया ये लोग भगवान पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते थे तो ये लोग आम जनता को भी आकर यही बताने का को कोशिश करते कि देखो आपके हिंदू गॉड वर्ड ना कुछ नहीं होते हैं और तुम जानते हो कि इंडिया में खास करके जो क्योंकि हिंदू मेजोरिटी पॉपुलेशन में है तो इतने धार्मिक लोग हैं इंडियंस आज तो खैर कम हो गया है लेकिन पहले के ज़माने में इंडियंस बहुत ही धार्मिक थे अगर इतने धार्मिक इंडियंस को कोई आके सामने से ये कह दे कि तुम्हारा धर्म जो है तुम जिस भगवान को मान रहे हो कुछ भी ऐसा नहीं है सब बेकार है तो भड़क जाएंगे इंडियंस जाहिर सी बात है कि ये कौन होता है अगला इंसान आके ये बोलता है कि हमारे भगवान का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है तो लोगों को पसंद नहीं आ रहा था डिरोजियंस का ये सारा बात व्यवहार उसके बाद ऑलवेज टॉक्ड अबाउट प्रॉब्लम्स डिरोजियंस ने यानी यंग बंगाल ने हमेशा प्रॉब्लम्स का डिस्कशन किया है कि सोसाइटी में वुमेन के साथ ऐसा ट्रीटमेंट होता है लड़कियों के साथ ऐसा ट्रीटमेंट होता है बच्चियों के साथ या फिर चाइल्ड मैरिज होता है विधवाओं का दोबारा शादी नहीं हो रहा है हमेशा प्रॉब्लम्स का ही डिस्कशन किया है लेकिन कभी भी सोल्यूशंस का डिस्कशन नहीं किया जैसे राजा राम मोहन रॉय अगर ये बोल रहे थे लगातार कि औरतों को नहीं जलाना चाहिए तो उन्होंने एक सोल्यूशन भी निकाला कि इसको बैन करो दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन लेफ्ट कि अगर औरतों को जलने से बचाना है तो बैन कर दो इस सिस्टम को लेकिन यहाँ पे डिरोजियंस बस प्रॉब्लम्स का डिस्कशन कर रहे थे कोई सोल्यूशन नहीं दे रहे थे तो अल्टीमेटली ये एक बहुत बड़ा फेलियर है अगर आप प्रॉब्लम का डिस्कशन करते जा रहे हैं और सोल्यूशन नहीं दे रहे तो दैट इज़ अ फेलियर फिर कई बार लोगों को लगता था ये कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो रहा है एरोगेंट वाला पॉइंट ये है कि मान लो कि तुम एक हिंदू हो मान लो और तुम बहुत सारे भगवान को बहुत सारे देवियों को पूजते हो वर्शिप करते हो और मैं तुम्हारे सामने आके ये बोलूँ मैं यंग बेंगाल हूँ मैंने यानी मैं डेरोजियन हूँ मैं तुमको आकर के ये बोल रही हूँ कि यार तुम अपने भगवानों पर विश्वास मत रखो तुम्हारे भगवान बिल्कुल ही बेकार है तो तुमको अंदर ही अंदर क्या लगेगा कि पूजा ऐसा इसलिए बोल रही है क्योंकि वो शायद अपना धर्म मेरे ऊपर थोपना चाहती है ज़रूर वो जिस भी भगवान के ऊपर विश्वास रखती है वो चाहती है कि मैं भी उसी भगवान के ऊपर विश्वास रखूँ इसलिए तो वो मुझे कह रही है कि मेरा भगवान कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता मतलब मैं तुमको कह रही हूँ तुम्हारे कृष्ण तुम्हारे शिव तुम्हारे जितने भी विष्णु तुम्हारे कोई भी भगवान इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं वो है ही नहीं उनका कुछ एग्जिस्टेंस ही नहीं है वो बेकार तुम बिलीफ सिस्टम पाल के रखो ऐसा कुछ भी ट्रुथ नहीं है तो तुमको ये लगने लग जाएगा कि पूजा जरूर अपना जो बिलीफ सिस्टम है वो मुझके मेरे ऊपर थोपना चाहती है पूजा जो भी बिलीफ करती है अगर पूजा मानती है कि जीजस क्राइस्ट सबसे ग्रेट है तो वो पूजा चाहती है कि मेरे ऊपर ऐसा बिलीफ हावी हो जाए तो लोगों को कई बार ये एरोगेंट लगता था कि यार ये क्या तरीका है ये कौन होता है मुझे आके बताने वाला कि मैं किस भगवान पर विश्वास रखूँ ना रखूँ तो इस तरीके का और बुकिश बहुत ये लोग बहुत ही ज़्यादा फिलोसॉफिकल बातें करते थे मतलब कि ऐसे ऐसे, ऐसे बातें करते थे जिसका रियलिस्टिक कोई मतलब ही नहीं होता था मतलब मैं तुम्हारे सामने बहुत ही मोटिवेशनल लाइंस उठा के दे दे रही हूँ कि ये होगा वो होगा एक एक दिन में 16 16 18 18 घंटे पढ़ो लेकिन अगर वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो मेरे बातों से क्या होता है उसी तरीके से ये लोग बोलते थे कि अच्छा समाज में ये होना चाहिए औरतों का पोजिशन ये होना चाहिए जो कि उस समय के हिसाब से इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं था आप धीरे धीरे चेंजेस ला सकते हो एक साथ आप सोचोगे कि बहुत बड़ा चेंज आ जाए ऐसा नहीं होता है लेकिन ये लोग बहुत ही औकात से बाहर जाके बातचीत करते थे तो बहुत ही ज़्यादा अनरियलिस्टिक लगता था और लोगों को पसंद नहीं आता था तो मैं एक बार रिपीट कर रही करूँ यंग बंगाल कौन थे डेरोजियो के जो स्टूडेंट्स थे उनको हम यंग बंगाल बोलते हैं उन्होंने फाउंड किया था सोसाइटी फॉर एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज ऑन ट्वेंटी फेब एटीन थर्टी एट जिसका ये सारे ऑब्जेक्टिव थे यहाँ तो पे कास्ट चाइल्ड मैरिज ब्रिटिशर्स ने सपोर्ट करा इस कंडीशन पे कि आप क्रिश्चियनिटी को जब तक नुकसान नहीं पहुंचाओगे तब तक हम आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करने नहीं देंगे इन्होंने राजा राम मोहन रॉय के आइडियल्स को भी प्रमोट किया लेकिन एक बहुत बड़ा फेलियर इसीलिए रहा क्योंकि कुछ ज़्यादा ही खुले विचार के हो गए थे ये लोग इंडिया जैसे धार्मिक कंट्री के अंदर एथिकम यानी भगवान पर विश्वास ना रखने वाला चीज को प्रमोट कर रहे थे फिर ये लोग सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करते थे ये लोग अपना ओपिनियन दूसरे के ऊपर थोपने का कोशिश करते थे जो कि लोगों को लगता था कि यार ये बहुत ही एरोगेंट बिहेवियर है फिर ये लोग बुक, बुकिश बातचीत करते थे जो कि बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं होता था और अल्टीमेटली 1840 आते आते जो यंग बंगाल मूवमेंट है उसने अपना सारा मोमेंटम खो दिया उसका जितना भी मतलब इतना साल से जो मेहनत करते आ रहा था सोसाइटी में अपना एक ओपिनियन पेश कर रहा था सब कुछ ख़त्म हो गया यंग बंगाल अपने दुनिया सब कोई भूल गए डेरोजियो कौन था मतलब अपने दिलों में याद रखे होंगे बट एज सच कोई इम्पोर्टेंस सोसाइटी के अंदर नहीं आ, उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंस